मलाड पश्चिम के मारवे रोड पर स्थित भाटी गांव के कोली समाज के लोग लगभग 150 साल पुराने शमशान के लिए काफ़ी परेशान हैं। बता दें कि कुछ वर्ष पहले ताऊते तूफान के दौरान यह शमशान का सेट टूट गया था और कुछ स्थानीय लोग उसे मरम्मत करके वापस बनाने चले, तो कुछ बंगले के लोगों ने कोर्ट में एक PIL दायर कर उसे CRZ में बताकर तुड़वा दिया और आज तक यहाँ पर दोबारा शमशान नहीं बन पाया। बताया जाता है कि यहाँ पर 150 सालों से यहाँ के कोली समाज का शमशान था। भाटी गांव और आसपास के कोली समाज के लोग यहाँ पर ही दफन विधि का कार्य करते थे, लेकिन यहाँ आसपास 10-15 बंगले लगभग 90 के आसपास बनाए गए हैं, जिनमें रहने वाले लोगों ने एक कोर्ट में PIL दायर की और बताया कि यहाँ से शमशान से जलने वाले मुर्दों की दुर्गंध आती है और यह शमशान CRZ के तहत आता है, जिसके कारण इसे मरम्मत करने नहीं दिया जाए, इसे बनाने नहीं दिया जाए। और यह हवाला देकर कोर्ट में इस शमशान को यहाँ से तोड़वा दिया गया। भाटी गांव के कोली समाज के लोगों ने अपने शमशान हेतु उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी से गुहार लगाई थी। गोपाल शेट्टी आज भाटी गांव का दौरा कर कोली समाज के लोगों से मुलाकात किया और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने हेतु मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया है और इस शमशान की समस्या को निपटाने हेतु उन्होंने मनपा अधिकारियों को आदेश दिया है। अगर मनपा अधिकारी यह शमशान का काम जल्द से जल्द नहीं कराते हैं तो सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा है कि आने वाले दिनों में वह खुद खड़े होकर यहाँ पर शमशान बनवाएंगे और कोली समाज की जो समस्या है उसका निदान करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद गोपाल शेट्टी जी ने और क्या कुछ बातें कही है। लोग MCZM के लोग, ये कलेक्टर डिपार्टमेंट के भ्रष्ट लोग, अच्छे ऑफिसरों का मैं सम्मान कल भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। कोर्ट को जो सही रिपोर्ट देना चाहिए वो दिया नहीं और कोर्ट से भी ऑर्डर इस प्रकार का लेकर इसको तोड़कर बंद कर दिया। असलम शेख का लेटर है, PU मेहता का लेटर है इसमें, ठीक है। वो अब बच्चा क्या है इसमें, जो बंगलों बनाते हैं बाहर के आकर, मैं फिर प्रांत और पर प्रांत का मुद्दा कभी उठाता नहीं हूँ। हम सब भारतीय है, सभी भारतीयों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, यहाँ पर कामकाज करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकारी किसी ने भी नहीं दिया है कि जो भूमि पुत्र है उनके पर अन्याय करे। ये अधिकारी किसी ने किसी को नहीं दिया है और तुम थोड़ा अपना सुख के लिए, अरे बाबा तुम भी तो मरने वाले हो, तुम्हारे घर परिवार में भी लोग मरने वाले हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अब गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है तो कोली लोगों के लिए व्यवस्था कहाँ पर होगी। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए पार्लियामेंट से आने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी वार्ड ऑफिसर से बात की है, हमारे लोग जाकर कल कलेक्टर से बात करेंगे। परमिशन देंगे तो परमिशन लेकर बनाएंगे, परमिशन नहीं देंगे तो परमिशन के बिगैर गोपाल शेट्टी यहाँ पर शमशान बनाएगा। और मेरी दूसरी बात सुन लो, जो पैसे वाले लोगों ने इसका विरोध किया है, उनका कितना बड़ा 2 माले का 3 माले का बिल्डिंग बनता है वो देख लो आप लोग, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। कोई अपने ज़मीन पर घर बनाता होगा तो उसमें मुझे कोई लेने देना नहीं है, लेकिन तुम दूसरे के पेट पे पाँव मत दो। मेरी अगर बस चला तो मैंने जिन्होंने इसका विरोध किया है उनके पैसे से ही शमशान भूमि में बांधूंगा। ये भी सुन लो, उनको ही बोलूँगा ये बांधो, तब ये झगड़ा खत्म होगा, नहीं तो झगड़ा बहुत लंबे तक जाएगा।